मल्टीवर्स के बारे में तुम क्या जानती हो? अब इसे सच बताना ही होगा। फाइनली दोस्तों, आज इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की मच अवेटेड बिगी यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो चुकी है। और इस फिल्म ने दोस्तों आज अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ले ली है। तो वहीं दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले 3 हफ्तों से धमाकेदार कमाई कर रही फिल्म KGF चैप्टर 2 आज अपने 4th हफ्ते में शानदार एंट्री मार चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज को आज अपने 4th हफ्ते में कड़ी टक्कर दे पा रही है या नहीं, ये वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों KGF चैप्टर 2 के अभी तक के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डाहार्ड फैंस हैं। KGF चैप्टर 2 के लिए आप इंतजार कर रहे थे और अब 3 का भी इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म KGF चैप्टर 2 के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे के रिलीज किए आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 23 दिन पूरे हो चुके हैं। प्रशांत नील डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया था, जिसके लीड में आपको रॉकिंग स्टार यश, सुपरस्टार संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और प्रकाश राज जैसे बेहतरीन एक्टर्स नजर आए थे। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का इंतजार ऑडियंस को काफी बेसब्री से था। इसका अंदाजा दोस्तों आप इसी से लगा सकते हैं कि इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को अब तक सबसे ज्यादा मिले हुए व्यूज है और वर्ल्ड वाइड में भी इस फिल्म के ट्रेलर ने अवेंजर्स एंड गेम और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसे ट्रेलर्स को पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों KGF चैप्टर 2 को जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6,500 स्क्रीन्स तो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 10,000 स्क्रीन्स मिली, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 170 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग ली और इंडियन सिनेमा की टॉप 3 हाईएस्ट ओपनर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। ऑडियंस की तरफ से मिले हुए आउटस्टैंडिंग रिव्यूज की वजह से इस फिल्म के अपने दूसरे और अपने तीसरे दिन के जो कलेक्शंस थे वो भी काफी शानदार रहे और अपने शुरुआती 4 दिनों के वीकेंड में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 546 करोड़ रुपए कमा लिए थे और बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट रिकवर करते हुए इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। बताते चले दोस्तों आपको कि ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज तो दिए ही, साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी बेहतरीन रेटिंग्स दी। यही वजह रही दोस्तों कि अपने पहले हफ्ते में यह फिल्म 750 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने में कामयाब रही। अपने दूसरे हफ्ते इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुके थे। साथ ही साथ दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो भी आउटस्टैंडिंग रहे और इस फिल्म ने 1110 करोड़ रुपए के आंकड़े को अपने तीसरे हफ्ते में टच कर लिया। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की शुरुआती 3 हफ्तों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी और RRR के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी थी। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का सिर्फ ऑल ओवर इंडिया से ही जो कलेक्शन है वो 930 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 1110 करोड़ रुपए के आंकड़े को शुरुआती 3 हफ्तों में पार कर चुका है और ये फिल्म इंडिया में बाहुबली 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल की, तो दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में जहां 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को अपने शुरुआती 3 हफ्तों में पार कर लिया, तो वहीं दोस्तों इस हफ्ते इस फिल्म के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज भी रिलीज हो चुकी है। यही वजह है दोस्तों कि आज इस फिल्म के हिंदी में जो कलेक्शन है वो लगभग 2,80,00,000 रुपए के आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म आज लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 1115 करोड़ रुपए का अपने शुरुआती 23 दिनों का हो चुका होगा और यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही RRR के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए दंगल और बाहुबली 2 के बाद इंडिया की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी होगी। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसा कि रिलीज किए आज पहला दिन है और इस पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ले ली है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें चले कि सैम रेमी के डायरेक्शन में बनने वाली सुपर हीरो फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी कि डॉक्टर
डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 15000 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। इस फिल्म का इंतजार भी ऑडियंस को काफी बेसब्री से था और इसका अंदाजा दोस्तों आप इस फिल्म के एडवांस से ही लगा सकते हैं कि इस फिल्म ने सिर्फ एडवांस में इंडिया में 28 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई की है। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की जो एडवांस है वो लगभग 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। इस फिल्म ने अपने पहले दिन रिलीज होते ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तो $27 मिलियन से ज्यादा बड़ी ओपनिंग ली। तो वहीं दोस्तों आज ये फिल्म इंडिया के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट यानी कि अमेरिका, कनाडा और कई सारे मार्केट्स में रिलीज हो चुकी है। इन सभी मार्केट्स को मिलाकर दोस्तों आज इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन है वो $100 मिलियन यानी कि 800 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है। और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन है वो भी लगभग 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने स्पाइडरमैन नो वे होम के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर चैलेंज कर दिया है। तो वहीं दोस्तों बैटमैन के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को यह फिल्म बीट कर चुकी है। दोस्तों इस फिल्म को जिस तरह के आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिल रहे हैं, उम्मीदें हैं कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस साल की नंबर वन फिल्म बन जाएगी और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12000 से 15000 करोड़ की कमाई कर लेगी। आपको दोस्तों यह फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल